नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित एक रैली से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मलप्पुरम में जमात इस्लामी की युवा शाखा सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट द्वारा आयोजित फिलिस्तीन समर्थक रैली में शुक्रवार को हमास नेता खालिद मशाल ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया और हंगामे की वजह भी हमास नेता का संबोधन ही रहा। बीजेपी ने आयोजकों के साथ साथ वामपंथी और कांग्रेस की केंद्रीय व राज्य की एजेंसियों से जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा इसराइल के राजदूत ने भी हमास नेता के संबोधन को मुद्दा बना दिया है। हमास नेता मशाल के संबोधन पर भारत में इसराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली सेना ने गजा शहर में अपने हवाई हमले और टैंक गोलीबारी बढ़ा दी है, जिससे बेहद तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें इजरायली बलों से एक फ़ोन आया जिसमें हमें अपनी इमारत खाली करने और गजा के दक्षिणी हिस्से में जाने का निर्देश दिया गया। हालांकि गजा सिटी के एनक्लेव के दक्षिणी हिस्से से जोड़ने वाली सड़क पर भी इजरायली टैंक देखे गए हैं। गजा शहर से बाहर निकलने वाले कई निकासी रास्ते को इजरायलियों ने अवरुद्ध कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें इजरायली बलों द्वारा शहर छोड़ने का प्रयास कर रहे वाहनों पर भी गोलीबारी करने की रिपोर्ट मिली है। हमास नियंत्रित गजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि 7 अक्टूबर से गजा पर इजरायली हमलों में 3,457 बच्चों सहित कम से कम 8,306 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक बयान में कहा कि जनवरी से वेस्ट बैंक में मरने वालों की संख्या बढ़कर 329 फिलिस्तीनियों तक पहुँच गई है, जिसमें 7 अक्टूबर से हुई 121 मौतें भी शामिल हैं। रूस ने सोमवार को कहा कि रविवार को इजरायली विरोधी भीड़ द्वारा दक्षिणी रूसी क्षेत्र दागेस्तान की राजधानी में एक हवाई अड्डे पर हमला बाहरी हस्तक्षेप का नतीजा था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, हवाई अड्डे पर कल की घटनाएं काफ़ी हद तक बाहरी हस्तक्षेप का नतीजा हैं। बता दें, रविवार को इसराइल से आने वाली एक फ्लाइट को सैकड़ों लोगों ने रूस के दागेस्तान क्षेत्र के मुख्य हवाई अड्डे पर घेर लिया था। रूस में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। रूस के रशिया टुडे और इज्वेस्टिया मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो के अनुसार प्रदर्शनकारियों में से कई ने दरवाजे और तमाम अवरोधकों को तोड़ दिया। कुछ रनवे पर दौड़ते नजर आए। एक वीडियो में दिख रहा है कि इसराइल से आई फ्लाइट के उतरने के बाद भीड़ विमान के पास आने लगी। एक वीडियो में कुछ लोग यात्रियों पर चिल्ला रहे थे। वीडियो में एक प्रदर्शनकारी को तख्ती लेके देखा जा सकता है, जिस पर लिखा है, दागेस्तान में बच्चों के हत्यारों के लिए कोई जगह नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने देश की सेना और सुरक्षा प्रमुखों के लिए की गई अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। दरअसल शनिवार देर रात प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को देश पर हुए हमास के हमले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसके बाद इस विवाद की शुरुआत थी। उनके इस ट्वीट के बाद इसराइल के नेताओं ने उनकी कड़ी आलोचना की थी। नेतन्याहू ने ट्वीट में अपनी ही खुफिया एजेंसियों और उसके प्रमुखों पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो हमास के हमले का अंदाजा लगाने में नाकाम रहे थे। इसराइली प्रधानमंत्री ने लिखा था कि हमास के युद्ध के इरादों को लेकर प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को किसी भी समय और किसी भी स्तर पर चेताया नहीं गया था। हालांकि इसराइली प्रधानमंत्री ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है और अब उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि वो गलत थे। बीबीसी के अनुसार लेबनान के संगठन हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसने इसराइली ड्रोन को मार गिराया है। इसराइल हमास में शुरू हुए इस संघर्ष के बाद पहली बार हिजबुल्ला ने ऐसा कोई दावा किया है। हिजबुल्ला ने कहा, रविवार को इसराइली सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह हमला हुआ। ड्रोन को इसराइली सीमा में गिरता हुआ देखा गया। हिजबुल्ला को अमेरिका और ब्रिटेन आतंकवादी संगठन बताता है। हिजबुल्ला ने कहा कि 7 अक्टूबर को शुरू हुए संघर्ष के बाद अब तक उसके 46 लड़ाके मारे गए हैं और 43 घायल हैं। हिजबुल्ला ने कहा कि उसने अब तक 42 पॉइंट से 84 हमले किए हैं। इसराइल का कहना है कि अब तक कम से कम 7 इसराइली सैनिक मारे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका समर्थन करने वाले विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला करने का निर्देश दिया है। बता दें, इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले में देरी के लिए नार्वेकर की खिंचाई की थी। अदालत ने कहा था कि अगर स्पीकर प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पहल करने में विफल रहते हैं तो अदालत एक समय सीमा तय करेगी। अदालत ने सोमवार को वही समय सीमा तय कर दी है। अदालत ने चेतावनी दी है कि अयोग्यता याचिकाओं पर अगले विधानसभा चुनाव से पहले फैसला लिया जाना चाहिए, अन्यथा पूरी प्रक्रिया व्यर्थ हो जाएगी। बता दें, शिंदे और 39 विधायकों के मूल पार्टी से अलग होने और सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ जाने के बाद
पिछले साल सेना के गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की थी। जुलाई में स्पीकर ने शिंदे के नेतृत्व वाली सेना के 40 और ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब मांगा था। मराठा आरक्षण मुद्दे पर हिंसा बढ़ गई है। सोमवार को बीड जिले में एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के घर में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारी कथित तौर पर आरक्षण के समर्थक कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल की भूख हड़ताल पर एनसीपी के अजीत पवार गुट के नेता की टिप्पणियों से नाराज थे। प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया और सोलंके के घर के बाहर खड़े एक वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हाल के दिनों में मराठा आरक्षण को लेकर छात्रों द्वारा खुदकुशी किए जाने के बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसी बीच फिर से तेज हुए मराठा आंदोलन ने फिर से राज्य की कानून व्यवस्था के लिए दिक्कत खड़ी कर दी है। मराठा आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इस समय पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन फैल रहा है। इसकी आंच राजनीतिक लोग भी महसूस कर रहे हैं। मराठा समुदाय के कार्यकर्ता अब राजनीतिक नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं कि ये समुदाय वर्षों से उनके पीछे खड़ा रहा है और समुदाय के आंदोलन का अब समर्थन करने की उनकी बारी है। नेताओं पर बन रहे दबाव के बीच एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से जुड़े हिंगोली से सांसद हेमंत पाटिल ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। पाटिल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा है कि उन्होंने लोकसभा सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया है। भारत के नागरिकों को किसी भी राजनीतिक दल की फंडिंग के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जानकारी का अधिकार नहीं है। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर बयान में यही बात कही है। अटॉर्नी जनरल के इस बयान का सीधा अर्थ ये है कि केंद्र की मोदी सरकार का चुनावी बॉन्ड पर यही रुख है। लाइवलॉ की रिपोर्ट के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं की इस तर्क को खारिज कर दिया कि नागरिकों को किसी राजनीतिक दल की फंडिंग के स्रोत के बारे में जानने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार से चुनावी बॉन्ड मामले की सुनवाई शुरू होने जा रही है। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा पाए जाने के बाद उनके परिवार ने पीएम मोदी से सीधे हस्तक्षेप करने की बात कही है। सजा पाने वाले रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी की बहन मीतू भार्गव ने द इंडियन एक्सप्रेस से समय की कमी का हवाला देते हुए पीएम मोदी से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। भार्गव ने इंडियन एक्सप्रेस से फोन पर बात करते हुए कहा कि कतर के अदालत के फैसले की खबर आने के बाद उनके लिए सबसे कठिन काम अपनी 85 साल की माँ को अपने भाई के बारे में बताना था। उन्होंने कहा वो बहुत परेशान हैं, वो दिल की मरीज हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कतर में मौत की सजा पाए 8 नौसैनिकों के परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की और कहा कि सरकार इस मामले को पूरा महत्व देते हुए आगे बढ़ रही है। विदेश मंत्री ने एक्स पर इस संबंध में सोमवार को लिखा है कि सरकार उनकी रिहाई के लिए सभी प्रयास जारी रखेगी। परिवारों की चिंताओं और दर्द को पूरी तरह से साझा किया और कहा कि सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करना जारी रखेगी। इस संबंध में परिवारों के साथ भी तालमेल किया जाएगा। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। उसने इस आधार पर उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया कि मामले में 338 करोड़ रुपए के धन का लेन देन का मामला अस्थायी रूप से उनसे जुड़ता है। इसके साथ ही इसने आदेश दिया कि ट्रायल 6-8 महीने में पूरी की जाए। इसका मतलब है कि वो अब कम से कम 6 महीने जेल में रह जाएंगे, लेकिन मुकदमे में ढिलाई होने पर वो जमानत के लिए पहले 3 महीने में फिर से आवेदन कर सकते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।